हमारे दरमियान इस वक्त वादी कश्मीर के मशहूर मारूफ इस हवाले से भी कि वो स्टूडेंट्स पर ज्यादा मेहनत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है फजीलत शेख बिलाल बिन अब्दुल्ला हफिजहुल्लाह जो कि प्रोफेसर है हमें कुलियत सल्फेल बनीन बतमालू, तो इस सिलसिले में हम बहुत ज्यादा मशहूर है कि वो हमारे दरमियान मौजूद है। उन्होंने तमाम मसरूफियात को यकता मुनकते करते हुए हमारे इस प्रोग्राम की शान बढ़ाई। तो हम बराए रास्त फजीलत शेख प्रोफेसर बिलाल बिन अब्दुल्ला साहब को दावत देते हैं कि वो हमें कुरान सुन्नत के तहत पंदु नसाए से नवाजे, और हम बहुत ज्यादा मशहूर है एक बार फिर, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको हिफ्ज अमान में रखे और हमेशा इनका जो इल्मी तजुर्बा है सलाहियत है इसका फायदा हमें ताजेर कयामत तक रहे। अल्लाह ताला मजीद इन बच्चों की वसात से जो हमें खैर मिला है उसमें उनको ये सदके जारिया इनके नाम अमाल में जमा करें। फजीलत शेख बिलाल बिन अब्दुल्ला साहब प्यारे बच्चों और प्यारे पेरेंट्स और प्यारे सुनने वाले और सुनने वालियां, अल्लाह ताला बेशुमार तारीफ़ शुक्र किबरियाही और अजमत के लायक हैं। अल्लाह ताला ही हम सब का मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। दुरूद और सलाम हो अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कायनात के लिए रहमत और ब्लेसिंग है, बिलखुसूस हमारी बच्चियों के लिए। कुछ गुजारिश आपके सामने करता हूं, बिलखुसूस स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए और बिलअमूम जो भी इस पार्क में इकबाल पार्क अल्लामा इकबाल पार्क रहमतुल्लाह अलैह जो वादी कश्मीर में बिलखुसूस श्रीनगर में मशहूर पार्क है हमारी। सबसे पहले बच्चों के लिए कुछ गुजारिशें कुछ अनमोल गिफ्ट में देता हूं, अल्लाह ताला हमें इन गिफ्टों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह सुबहानहु व तआला। मेरी बेटी और मेरे बेटे और डियर पेरेंट्स, सबसे पहले हमें तारुफ होना चाहिए प्यारे बच्चों और डियर पेरेंट्स, अल्लाह ताला की फजल करम से और अल्लाह की तौफीक से और अल्लाह की रहमत से आज हम इकबाल पार्क में जमा हुए हैं ताकि हम अल्लाह ताला के दीन रहमत दीन इस्लाम को जानेंगे। कुछ गुजारिशात मैं करता हूं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए और बिलअमूम हम सब के लिए। सबसे पहले हमारा रब कौन है? अल्लाह सुबहानहु व तआला। सबसे पहले हमें अपने रब की मारिफत होनी चाहिए जिसको हम मारिफतुर रब कहते हैं। ये दीन का सबसे पहला उसूल है, हमारा माबूद बरहक, हमारा क्रिएटर, हमारा मालिक, हमारा मुश्किल कुशा, हमारा हाजत रवा, इस कायनात और खालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहानहु व तआला है। इसके बाद हमें मालूम होना मारिफतुद्दीन, हमारा दीन क्या है?
हमारा दीन इस्लाम, दीन इस्लाम जो सिर्फ रिलीजन नहीं है बल्कि वे ऑफ द लाइफ है। इस्लाम हर मसले का हल है, इस्लाम नहीं बल्कि तमाम मसाइल का हल है। इस्लाम हर सॉल्यूशन है, इस्लाम हर बीमारी का इलाज है। इस्लाम ने हर हक वाले को अपने हक दिए हैं, चाहे वो हुकूकुल्लाह हो, हमारे मालिक के हक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक, पड़ोसी के हक, रिश्तेदारों के हकूक, माँ बाप के हकूक, बहन भाइयों के हकूक, बीवी के हकूक, मर्द के हकूक, खवातीन के हकूक, टीचर्स के हकूक, स्टूडेंट्स के हकूक, हर हक वाले अल्लाह ताला ने और अल्लाह के दीन ने हक दिया है। इसी तरह हमें मालूम होना चाहिए मारिफतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा नबी कौन है, हमारा पैगंबर कौन है, हमारा गाइड कौन है, हमारा आखिरी रसूल कौन है, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों हमें मालूम होना चाहिए, चौथी बात, हमारा मालिक कहाँ है, हमारा खालिक कहाँ है, हमारा माबूद बरहक कहाँ है, वो अर्श पर है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह ताला अर्श पर है। कुरान मजीद में 7 जगह आए हैं अल्लाह ताला अर्श पर है। हाँ, इल्म के लिहाज से अल्लाह ताला अपने इल्म के लिहाज से, अपनी अजमत के लिहाज से, अपनी अजमत के लिहाज से, अपनी किबरियाई के लिहाज से हर जगह है, लेकिन अल्लाह ताला जात के एतबार से अर्श पर है। अर्श पर होकर अल्लाह ताला हमारे धड़कनों को जानते हैं, हमारे असरार को जानते हैं। इसी तरह एक और नुक्ता बच्चों के लिए बिलखसूस, हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। क्या है बेटे? हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। बड़ा चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे बड़ा भाई हो, चाहे बड़ी बहन हो, चाहे टीचर हो, प्रीचर हो, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। यह हमें इस्लाम सिखाता है। इसी तरह हमें सलाम करनी चाहिए, जो भी हमें मिले, चाहे हम जिसको जानते हैं उसको भी सलाम करनी चाहिए, चाहे जिसको हम नहीं जानते हैं उसको भी हमें सलाम करनी चाहिए, क्योंकि ये दीन सलामती का दीन है, ये अमन का दीन है, इसको इस्लाम ही कहते हैं, ये सलामती का दीन है, हमें सलाम करनी चाहिए। क्या? इसी तरह बच्चों के लिए नसीहत, हमें फजूल हरकत नहीं करनी चाहिए, फजूल एक्टिविटी से हमें बचना चाहिए, चाहे वो कार्टून ड्रामा हो, कार्टून फिल्म हो, चाहे वो सड़क पर फजूल हरकत करना हो। आपको चाहे कि आप जैसे गुंडा लोग चलते हैं, मवाली लोग चलते हैं, आवारे आवारगर्दा लोग चलते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। ठीक है बेटे, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें मुसलमान होने पर फख्र है, और ये जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है। ये जिंदगी हमें गपशप के लिए नहीं है, या टिकटॉक बनाने के लिए नहीं है, या पार्क में हमें अपने इज्जत को बेचने के लिए नहीं है, या खुल्लम खुल्ला सिगरेट पीना, चरस पीना, नौज बिल्ला, या कोई ड्रिंक और करना गलत ड्रिंक, उसके लिए नहीं है। ये जिंदगी हमें इसलिए दी गई है ताकि हम अपने मालिक को, अपने रब को, अपनी मुश्किल कुशा अल्लाह सुबहानहु व तआला को राजी करें। तो हमें बैड एक्टिविटी से बचना चाहिए। ठीक है बेटे, इसी तरह हमें हर दिल की बीमारी से बचना चाहिए, हमें हसद से बचना चाहिए, हमें बुगुस से बचना चाहिए, हमें अदावत से बचना चाहिए, हमें कीने से बचना चाहिए। ठीक है बेटे, इसी तरह एक और नसीहत बच्चों के लिए, बच्ची जिस तरह अल्लाह ताला ने लड़की को बनाया है, बच्ची को बनाया है, इज्जत दी है, वो बच्ची की तरह रहे। हमारी कोई भी बच्ची वो नंगे सर न चले, वो लड़के का कपड़ा ना पहने। लड़की को अल्लाह ताला ने लड़की बनाई है, लड़की की इज्जत दी है, वो लड़की की तरह रहे। इसी तरह लड़का जो है वो लड़की बनने की कोशिश ना करे। लड़की की बोलचाल, लड़की की एक्टिविटी, लड़की का कपड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस लड़के पर लानत की है जो लड़की की मुशाबत करता हो, और उस लड़की पर लानत की है जो लड़के की मुशाबत करता है। तो गोबर मैंने बच्चों लड़की आज तेमिस पजे लड़की बनित रोजन, और लड़का आज तेमिस पजे
लड़कियों बनित रोजन। इसी तरह हमें चाहे बच्चों को चाहे कि वो एक दूसरे की मदद करे, क्या करे, क्लास में मदद करे, घर में मदद करे, अपने इलाके में मदद करे, गरीबों की मदद करे, कमजोरों की मदद करे, यतीम बच्चों की मदद करे। इसी तरह हमें शर्म हया का मुजस्म बनना चाहे, शर्म हया का मुजस्म बनना चाहिए। सानी जबान गस बुरु जबान आानी जबान मज ग बदकली बदकलमी आानी जबान पे ग नाव रेस आमें अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए, अपने हाथों की हिफाजत करनी चाहिए, अपने पाओं की हिफाजत करनी चाहिए। ये जिंदगी अल्लाह ताला की अमानत है और इस अमानत का हमें जवाब देना है अल्लाह ताला के हाँ। अशे को कुन ते साथ मरित आज हेको मरित पगह हेको मरित अश अल्लाह ताला अत जिंदगी जवाब दिन यम क्या गुजरिशात मजीद कर गुजरिशात क्या बचन अल्लाह ताला वरा ग कसम खुन अल्लाह के सिवा किसी की कसम नहीं खानी चाहिए, सिर्फ अल्लाह की कसम खानी चाहिए बेटी, ठीक है। मन हलफ बिगैर इल्लाही फकत अशरक यम अल्लाह ताला वरा कसम कसम खो तम कोर शिरक मल सन् दरी गावन माजि दरी गावन डेडी सन् दरी गावन अड़ शवान कसम बब सन् अड़ पटन हज दरी नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला अड़ शवान माजि अड़जन हज दरी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो बेटी हमें सिर्फ अल्लाह की कसम खानी चाहिए, अस गस मोल मोज टोट आसन क्या गस आसन मगर मलिस माज खुद गस टोट आसन अस अल्लाह ताला, ठीक है। अल्लाह ताला से पद गसे सारे खुद पन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोट आसन कसम सिर्फ अल्लाह ताला से कसम काबज दरी हावन मस्जिद हन दरी हावन डेडे सन् दरी हावन कसम सिर्फ अल्लाह सुबहान हुआ ताला सुन इथे कन पंदाव ने लागनी के वारे सन बच्चे से पंदाव लागा या पेरेंट्स तिमन पंदाव लागा नजरी बद खतर। तो बेटी हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहे अस पज न पन लागुन के मन ताल्लक तमीमत फकत अशरफ यम ते पन त्रो नल या यम ते परित रनि त्राय नल नल तेम कुर गोना तेम कुर शिरक जिमास के गुजारिशात बचन खतर पेरेंट्स खतर के गुजारिश पेरेंटन खतर से गुजारिश तिम आसन अल्लाह ताला खोचान पन्न बचन आसन नजर थावान यमन आसन रिज तरबियत करान पेरेंटन से गुजारिश पन्न बचन आसन रुत नाव थावान पैगम्बरन हिंद नाव सुहाबन हिंद नाव सुहाबियातन हिंद नाव मीनिंग फुल नाव राजू गस न बचस थाव नाव विकी गस न बचस थाव नाव सनम गस न बचस थाव नाव सनम माने गो बुत ये बचस थाव नाव सनम यानी बुत यह रोजान बुत पत हमें मिस्टर सनम बुत मिस्टर बुत बचस पज रुत नाव थो इथे कन बचस गस तहनीक कर तहनीक माने गो ये जे अल्लाह ताला गस शुक्र कर बचे ऐसन बची ऐसन दोनों वन मालिक अल्लाह ताला बिलखसूस ये अल्लाह ताला कर कूर आता कोरे पे गई ज्याद खोश गूर से इस्लामस मज बड़ ब्लैसिंग बड़ रहमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो त्रेन कोरन वात परवरिश कर या दोन कोरन वात या त्रेन सिस्टर या दोन सिस्टर वात बे कर तिम तरबियत बे हिचना तिम अदब बे कर तिम निका तिम खतर जन्नत जन्नत बशारत इस्लामस मज थोद मकाम कोरन चाहे कूर ऐसन खानदारन ऐसन मोज ऐसन बेन ऐसन हश ऐसन नोश ऐसन अमिस अजीम मकाम तो मरतब अल्लाह ताला दिन पन्न कोरन रिज कदर कर तौफीक यज अजमत समझन तौफीक और तिमन दीन अल्लाह ताला पन्न कदर ते अजमत समझन तौफीक। तो बह कर अर्ज अमिस माज हक क्या अल उम मदरसा गोडन सकूल यह गोडन एकेडमी यह गोडन तलीम तो तरबियत गह बचस खुद अख मोज ग बचस जाय कर यह गिस नजरअंदाज कर फजूल टीवी ब्रोखन या फजूल यूट्यूबस ब्रोखन या फजूल फजूल तो बेहया सोशल मीडिया ब्रोखन यह गिस फिल्मन पे त्रा ड्रामान पे त्रा यह गिस तहनीक कर बे गिस रुत नाव थावन यल जबान दी अल्लाह ताला बोल चाल दी यह गिस गुक कलम हेचन गुक लेसन हेचन ला इलाह इल्लल्लाह गुक लेसन ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये बच सत वह गि नमाज पर इथे कन दह वह गि ताकीद कर अगर नमाज पर अमिस लाय बिस्तर अलग कर इथे कन अखलाक हेचन जिंदगी हंद दुआ हेचन रुत किरदार हेचन अगर अमिस बैड फ्रेंडशिप आज तम नश बचा अमिस रितम दरसगाह सोजन इथ कोहतरम तस्लीम सब चला बेहतरीन अजीम मरकज मदरसा मदरसा काउंसलर इथन दरसगाह सोजन ये कुरान मजीद हेच कुरान मजीद पर कुरान मजीद कर याद
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن تعلیم مبارک تکیاز اسلام چھ بلیسنگ یہ پنن خاطر تہ بلیسنگ رحمت مسلمانن خاطر تہ رحمت غیر مسلمانن خاطر تہ رحمت پنن خاطر تہ رحمت اور یہ وپرن خاطر تہ رحمت ضرورت چھ رحمت سمجھن ضرورت چھ رحمت سمجھن اسلام چھ تعلیم چھ الیس کھوان اسو کانہ چیز یہ چھ اسلام چھ تعلیم اسہ اسو نہ منت تھوان کہ پارکی مز اسہ اسو نہ ٹھوٹ تراوان پارکن مز کہ اسہ اسو نہ یہ لفاف تراوان اسہ اسو نہ کیل دل تراوان تکیاز اسلام چھ ہیچناوان اطہور شطر الایمان اسلام چھ ہیچناوان اس اسلام یہ حظ یہ صفائی چھ نس بہ ایمان تو بہت عرض کران گوڈنچ اکیڈمی گوڈنک سکول چھ یہ موج آسان امس رز تربیت کرن امس بہترین تربیت کرن یہ بچی سن گھس نہ پیٹ لاگن یہ گھس نہ زینز لاگن یہ گھس نہ لڑکہ سن اپر لاگن یہ ماجہ ذمہ داری رتن سکولن سوزن یت اللہ تعالیٰ سن خوف آس یت اللہ تعالیٰ سن دین آس اس کرو اللہ تعالیٰ دعا اللہ تعالیٰ کرن تو سارنی رش رب العالمین سانن گنہن کر مغفرت یا اللہ سانن گنہن کر مغفرت اس سارنی کر اصل ہدایت اس پن دین رحمت دین فطرت دین عظمت یہ آسان دین دین اسلام ہچنک توفیق یا اللہ یت مدرسس کر رش مدرسے کونسلس کر رش سرش امتس کر رش رب العالمین از یت پارکی مز رت کر توفیق رد بوزن توفیق رد سمجھن توفیق سانن مالن ماجن کر یاری رب العالمین تمن کر حفاظت یا جماعتس کر رش یمن بچن کر رش یہ بنو سانن چشمن ٹھنڈک سن بچ بنو سان خطر صالحین رب العالمین یا اللہ تو چھک سون مشکل کشا حاجت روا سن مشکلات کر دور سن حاجت کر روا یا اللہ اس تھا ہمیشہ پن زین رحمت اس پر اس کر شرم و حیا سن مالا مال اس کر اسلامی کردار سن مالا مال بہ محترم مولانا تسلیم صاحب شکر گزار تہ بچن شکر گزار یمن پیرنٹن سے پزی یت نعمت اس پر سٹھا شکر کرن مدرسے کونسر یم چھ ز کمر ات حض ونکس چلان تقریباً چھ ات 9000 روپے رینٹ حس کرائے ات بھرپور مدد کرن بھرپور تعاون کرن اللہ تعالیٰ کرن تہ مدد یہ بہترین صدقہ جاریہ اور نجات بوڑ ذریعہ کیاز علم ورائے چھ شعبے کان اسلام دین رحمت چھ گومت سٹارٹ علم سیتی علم چھ رحمت علم چھ سکون علم چھ حیوانس انسانس فرق علم سیتی یہ سمجھ حقوق اللہ چھ حقوق العباد اللہ تعالیٰ کرن ات مدرسس حفاظت تسلیم صبس کرن اللہ تعالیٰ حفاظت تہ بچن کرن حفاظت یمن چھ سن ہمشیر اس یہ ات سی مدد کران رب العالمین کرن تمس مدد اللہ تعالیٰ کرن جماعتس مدد سن جائز حاجت کرن اللہ تعالیٰ روا سن مشکلات کرن اللہ تعالیٰ دور یت بے سکونی مز ونکس پور انسانیت اللہ تعالیٰ کڑن اس بے سکونی مز آج چھ لکڑ بچہ معصوم بچہ ونان مے چھ ٹینشن لکڑ بچہ تہ چھ ونان آج مے چھ ٹینشن کانہہ چھنہ ام ٹینشن ورائے الا ماشاء اللہ توتام چھ ٹینشن جاری یوتان اس اللہ تعالیٰ سن دین سمجھو پرو ات پہ عمل کرو واخر دعوانا الى الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته خصوصا پنس عزیز کشیرن بورڈ میڈیا الحق پروڈکشن بشیمن ہند شکریہ کران